नीरज मेहर जस्सी के गांव वालों, आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए। उनकी ताकत है, उनकी YouTube के चैनल को देखते होंगे आप। आइए, उनकी पूरी कम्युनिटी हमें दिखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। राधा कीजिए। ओके। गाइस नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज कब लोग हैं, शाम के 4 बजे से हमारे यहाँ आए हैं। मदारी देखते हैं क्या है, मदारी हतारी आ रखे हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है। गांव में बड़ा सिस्टम चल रहा है उधर पे सामने, तो हम जा रहे हैं। बड़े ज़ोर ज़ोर से धजा रहे हैं वो लोग, तो हम भी जाएंगे वहाँ, दिखाएंगे आपको। अब गाँव में कुछ ऐसी घटना होगी तो हम दिखाएंगे। आमा हिट क्या पारो वाले, देखियो ना हिट रे हिट क्या पारो वाले, बंदरिया नाच नाच नाच। गाइस तो चलते हैं, चलो गाइस देखते हैं क्या आया है। हम भी तो देखें कौन आया है, क्या है, क्या डांस कर रहा है। आपको भी सीधा प्रसारण कराएंगे हम गाइस, टेंशन नहीं लेने की हुई। क्या हो रहा है देखते तो है सही, कम से कम गांव में सिस्टम ही सिस्टम हो रहा है। वो पता नहीं बीजेपी वाले हैं कौन है, लग तो बीजेपी वाले ही लग रहे हैं मुझे। जाते तो हैं, मदारी का डांस देख के आते हैं। ओहो आ गए गाइस, आ गए। कम कम दे जाओ, आ रहे। ओके पे आए मदारी और यहाँ पे अशोक दा उनकी गाड़ी लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे ब्लॉगर साहब भी आ चुके हैं गाइस। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं घर में बैठे, आइए नुक्कड़ नाटक को एंजॉय करिए। या मैडम, या कहाँ हो रहा है वहाँ पे हो रही है, जाइए वहाँ साथ दीजिए। ओके उनके साथ बने रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ओके तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, लटका झटका ठुमका। गाइस यहाँ पे बहुत भीड़ लग चुकी है, देखो ये गाइस, ये देखो ये डांस भी कर रहा है। ओके गाइस ये नुक्कड़ डांस हो रहा है इधर पे, आइए। ये देखो चुनावी माहौल को गर्म बनाने आ चुकी हैं ये मैडम। जी जरूर। मैडम जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दीप्ति ठाकुरी। वाओ व्हाट अ नाइस नेम। नीरज मेहर जस्सी के गांव वालों, आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए। उनकी ताकत है, उनकी यूट्यूब के चैनल को देखते होंगे आप। आइए, उनकी पूरी कम्युनिटी हमें दिखनी चाहिए, उनकी ताकत दिखनी चाहिए। ये देखो ये आन सिंह भी आए यहाँ पे, गाइस ये आन सिंह भी आ चुके हैं। तुम भी यहीं रुको, नुक्कड़ डांस देख के जाओ। हाँ गाइस आप बहुत ही वायरल बंदा। देखो मेरी गैंग आ रही है, ये गाइस हम सोए थे हमारे, अब देखो मेरी कम्युनिटी, देखो मार दे। ये मेरे कम्युनिटी के आ रखे हैं यार। गाइस मेरे कमरे में इतनी भयंकर आवाज है, इनकी आवाज में दम है गाइस। दम है। ये देखो बड़ी करीब से देखना चाहते हैं आप। देखो गाइस ये हमारी अंजू बुआ भी आ चुके हैं यहाँ पे। सिस्टम देखो कैसे गाइस में सिस्टम है ना गांव में। बिल्कुल। और ये गुल्लू यहाँ एक गुल्लू जो हमारा ब्लॉग देख रहा था। गुड। चलो गाइस हो जाए जुली जुली में डांस। एक भैया उनको बोल देना यार आ जाएंगे। कौन अब तो सब आ गए। ओए इधर आ जाओ भाई लोगों, इधर आ जाओ भाई लोगों, इधर आओ। आ हो गया आज जस्सी भाई का मीटअप चल रहा है इधर पे, आइए गाइस आइए। ये जस्सी भाई का मीटअप है इधर, आइए। ये देखो ये हेलो गाइस, ये देखो ये गाइस गाइस देखो ये I'm gonna make it.
दिल्ली से आए हैं आप लोगों के लिए नुक्कड़ नाटक लेकर बीजेपी की तरफ से। तो सभी का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। हम अभी अपना नुक्कड़ नाटक शुरू करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको कुछ बताएंगे और कुछ समझाएंगे। तो शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। ये सिस्टम और इस साल के चुनाव में मैं अपना पहला वोट डालने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है और साथ ही साथ मैं बहुत दुखी भी हूँ और बहुत मैं फूटता भी हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आए दिन हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं जो हमारे देश को विकास की ओर ले जाना तो दूर, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर बनाते जा रहे हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपना पहला वोट ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को नहीं दूंगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई है ऐसा नेता जो हमारे किसान भाइयों बहनों के बारे में सोचे, हमारी घर की बेटियों के बारे में सोचे, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचे, उनके शिक्षा के बारे में सोचे। हमारे नेता ही नहीं है। हाँ ऐसा तो नेता ही नहीं है। स्कूल जाया करता था, ये बता खाना मिलता था स्कूल में या नहीं? अरे कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। अरे जो मिलता था वो भी घटिया मिलता था। हाँ, और उसी की वजह से मेरा बहुत पेट खराब हो गया था। पढ़ाई में मन लगता नहीं था। बिल्कुल नहीं। हाँ पढ़ाई में तू बहुत वो था ना। हाँ। तो उसको छोड़ दे बात को। हाँ। बात ऐसी है, जब से मोदी सरकार आई है ना, हाँ, तो उन्होंने बच्चों के लिए इतना काम किया है, बाप कसम खा, लिखे देश का नाम रोशन करे, लेकिन उन्होंने जड़ पे काम किया, जड़ पे, बाप कसम खा। पहले योजना लिखा है बच्चों के लिए, वो योजना ये है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए नमो गाइस अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा फिर? गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके ओके, धन्यवाद। और मेरे यूट्यूबर दोस्त के ऑडियंस भी, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें लाइव, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। दो मिनट दीजिए भाई साहब। ठीक ओके ओके, ऑडियंस से लाइव आऊंगा अभी। ओके, तो 19 तारीख को जाइए अपने नजदीकी मतदान केंद्र और वोट डालिए और अपने क्षेत्र से अजय टमटा जी को जिताइए और भारी मतों से उन्हें विजयी बनाइए और अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से कमल खिलाइए, क्योंकि अब की बार 400 पार बनेगी डबल इंजन सरकार। धन्यवाद सर। ये बताइए, ये सब तो ठीक है, आप बोल रहे हो कि मतलब बेटियां सुरक्षित है, ये ठीक हो गया, तो ये बताइए हमारे पहाड़ की एक अंकिता भंडारी के, सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना ना, हम तो दिल्ली से हैं। उनको उनको इंसाफ कब मिलेगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत ही अभी बहुत ही चल रहा है, मतलब अंकिता भंडारी है, पुलकित आर्या जी ने उनकी, अजय टमटा जी बताएंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी था हमारे लिए। तो ये तो हो गया, इनका तो सिस्टम हैंग करके गए, अंकिता भंडारी के बारे में ना पता ही नहीं है गाइस, ये कैसे कैसे चलेगा गाइस। गाइस देखो हाँ, मतलब सोच समझ के वोट करना, जो भी है बीजेपी दो कांग्रेस दो, बट इनसे मैंने पूछा कि अंकिता भंडारी केस के लिए मैंने पूछा कि उनको इंसाफ कब मिलेगा, तो इन्होंने क्या कहा पता है? हम तो जानते नहीं है भाई, मतलब ऐसे आ रखे है, पैसे में डांस करा के चले गए। ठीक है गाइस, सिस्टम क्या कहें, देश में देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं सब, जो भी है मतलब अभी यार थोड़ा बहुत न्याय तो मिलना चाहिए कि नहीं? अंकिता भंडारी कौन कौन सपोर्ट में हो कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले? देखो गाइस, देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहा कि अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा, उसका भी जवाब नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला भाई। वैसे तो सरकार नहीं दे रही है, अब इनने भी नहीं दिया, ये तो जानते ही नहीं है भाई अंकिता भंडारी को, तो ये बहुत ही मतलब दुखद है मतलब हमारे लिए कि हमारे पहाड़ की बेटी का आज कितने एक डेढ़ साल हो जाता है, डेढ़ साल लगभग हो जाता है, तो उसको अभी भी न्याय नहीं मिला है। तो मुझे, मैंने अभी क्वेश्चन करा इनसे, इन्होंने बोला कि बेटियां सुरक्षित है, ये है वो है, तो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन हमारा भी बनता है, बनता कि नहीं गाइस? तो आप लोग कौन कौन समर्थन में हो मेरे कमेंट करें, ठीक है? मैंने क्वेश्चन सही करा कि नहीं करा, अपनी राय दे, ठीक है? कब लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग नुक्कड़ डांस? और बीजेपी वाले अंकिता भंडारी को तो जानते नहीं है और कह रहे कि बेटियां सुरक्षित है, ये है वो है, ये तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात हो गई है गाइस। तो थोड़ा ये दिल्ली से आए हुए थे, इनकी भी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ डांस करने के लिए आए थे और इन्हें कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में, उत्तराखंड के बारे में।
ठीक है गाइस। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें, अंकिता हमारी बहन है जो, उसको न्याय मिले। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद गाइस, और लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए।